हाय फ्रेंड्स, मिली किचन में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? चलिए, हम आज दम बिरयानी बनाने जा रहे हैं। वेज बिरयानी भी कह सकते हैं, क्योंकि हम वेजिटेरियन बिरयानी बनाने जा रहे हैं। चलिए, मैं आपको सामग्री बता देती हूँ। ये मैंने हल्दी ली है, ये धनिया पाउडर लिया है, ये गरम मसाला है, ये जीरा पाउडर है, ये हमने नींबू लिया है, नींबू का रस लिया है, ये हमने कुछ तेज पत्ते लिए हैं, दिखाती हूँ आपको। कुछ तेज पत्ते लिए हैं हमने, और इसमें काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, ये बड़ी इलायची सब ली है हमने, ठीक है। ये हमने देसी घी लिया है, नमक लिया है, पनीर लिया है, ये हमारा 1 पाव पनीर है। ये हमने प्याज, बड़ा एक प्याज काटा है, 3 मिर्ची है, देखिए हरी मिर्च है 3, एक बड़ा टमाटर है, दो दो टमाटर काटे हैं हमने बड़े साइज के, 2 शिमला मिर्च काटी है, ये कुछ देखिए कुछ बीन्स हैं जो हमने कट करके रखे हैं, ये अदरक लहसुन में अदरक लहसुन का पेस्ट है, और ये हमने दूध लिया है जिसको हमने केसर डाल के भिगो लिया है, ये हमने जीरा लिया है, और ये पानी लिया है, पानी इसमें डालने के लिए। ये हमने चावल लिया है, चावल को हमने पहले ही भिगो के रखा है, और ये हमारा ब्राउन राइस है। चलिए आपको बनाना बताते हैं। पहले हम चावल को बॉयल होने के लिए रख देंगे, हम इसके अंदर डालेंगे 2 गिलास पानी, हमने 1.5 गिलास चावल लिया है, तो हम इसके अंदर 2 गिलास पानी डालेंगे, 2 गिलास हम इसके अंदर पानी डालेंगे, और पानी डाल के हम अपना चावल इसके अंदर डाल देंगे। हम ब्राउन राइस ले रहे हैं, आप चाहें तो कोई भी चावल ले सकते हैं, बिरयानी के लिए आप चाहिए तो वो बासमती राइस भी ले सकते हैं, लेकिन हम सिंपल राइस से बना रहे हैं। ब्राउन राइस बहुत हेल्दी होती है शुगर के पेशेंट के लिए, और हमारे लिए भी, नॉर्मल इंसान भी उसको खा सकता है, बहुत हेल्दी रहता है सबके लिए। हम इसके अंदर थोड़ा सा घी डालेंगे, इसके अंदर हम तेज पत्ता डालेंगे, हम इसके अंदर थोड़े से लौंग और अपनी इलायची वगैरह डाल सकते हैं। चलिए अब हम इसको पकने के लिए रख देते हैं। हम इसमें थोड़ा सा जीरा भी डालेंगे, फ्लेवर के लिए है, फ्लेवर आ जाता है हमारे चावल में। चलिए ठीक है, इसको हम रख देते हैं पकने के लिए। अब हम, एक सीटी आएगा तब तक हम अपनी सब्जी बना लेते हैं बिरयानी के लिए। हम इसके अंदर एक पैन ले हमने लिया है, इसके अंदर हम घी डालेंगे, देखिए हम 1 चम्मच से 1.5 चम्मच घी डाल सकते हैं इसके अंदर, घी हमारा पिघल जाए। हम अपनी कढ़ाई में थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे, जीरा डालने के बाद हम इसके अंदर ये तेज पत्ता डाल देंगे, ये देखिए हमने इसमें दालचीनी ली है, दालचीनी डालेंगे, बड़ी इलायची डालेंगे, और लौंग और काली मिर्च डालेंगे, देखिए हम पूरा डालेंगे इसके अंदर, थोड़ा सा भून जाए उसके बाद हम, आप अगर हींग नहीं खाते हैं तो आप हींग नहीं भी डाल सकते हैं। अब हम इसके इसके अंदर, ये तो देखिए हमारा भून गया है, अब हम इसके अंदर अपनी प्याज और ये मिर्ची डालेंगे, सुनहरा होने तक हम अपने प्याज को भूनेंगे, हमें बिरयानी के लिए ऐसा ही प्याज चाहिए लच्छे में। ये हमारी शाही रेसिपी में से आता है, शाही रेसिपी में से आता है, इसीलिए हम इसको घी में पकाते हैं,
अगर आपके पास घी नहीं है तो आप इसकी यूज कर सकते हैं, बटर डाल सकते हैं उसके अंदर, या फिर रिफाइंड डाल के भी बना सकते हैं, लेकिन इसको घी में ही बनाना चाहिए, इसका टेस्ट अच्छा आता है। देखिए हमारे कुकर की सीटी लग गई है, हम एक ही सीटी लगाएंगे इसको, क्योंकि हमें इसको थोड़ा कच्चा ही रहने देना है, ताकि हम दोबारा इसको पकाएंगे। हमने गैस को बंद कर दिया है। देखिए हमारी प्याज भी हल्की हल्की भुनने लगी है, उसने पानी छोड़ दिया है, हम थोड़ा सा और इसको भून लेंगे। अच्छे से भूनने से टेस्ट अच्छा आएगा। आप देखिए, देखिए हमारा प्याज भून गया है, अभी हम इसके अंदर मसाले मिलाएंगे, तब तक ये और भूनता रहेगा। ये देखिए अदरक लहसुन का जो पेस्ट बनाया था हमने, हम वो डाल रहे हैं। आपके पास अगर रेडीमेड अदरक लहसुन का पेस्ट है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, हम फ्रेश ही डालना पसंद करते हैं, फ्रेश डालने से इसकी खुशबू अच्छी आती है। चलिए अब इसके अंदर हम टमाटर डाल लेंगे। ये देखिए हमने दो टमाटर कट करके रखे हैं, हम इसको डाल लेंगे। अब हम इसको भूनेंगे, जब तक हमारा टमाटर भूनता है हम इसके अंदर अपने मसाले ऐड करेंगे। देखिए आपको मसाले दिखाते हैं, पहले हम अपनी हल्दी डाल लेंगे। हल्दी के बाद ये धनिया पाउडर है, ये हमारा 1.5 चम्मच धनिया पाउडर है, तो हम पूरा डाल देंगे। ये गरम मसाला है, हम इसको थोड़ा सा ही डालेंगे, थोड़ा सा बाद में डालेंगे। हम इसको गरम मसाले को आधा चम्मच से भी कम डालेंगे, आधा चम्मच के बाद जब पूरा पक जाएगा उसके बाद आधा चम्मच और गरम मसाला डालेंगे। ये देखिए हमारा जीरा पाउडर है, इसको हम पूरा ऐड करेंगे। 1 चम्मच जीरा पाउडर है। देखिए हमारा टमाटर जब तक गल नहीं जाता तब तक हम इसको पकाएंगे। हम इसके अंदर नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से। आप इसमें थोड़ा ही नमक डालिए, क्योंकि फिर हम दोबारा जब सब कुछ मिक्स करेंगे तो डालेंगे इसमें थोड़ा नमक। देखिए हमारा टमाटर जब तक गल नहीं जाता हमें इसको पकाना है। गैस को हम हल्का सा तेज कर लेते हैं, अभी हमारा ये स्लो से मीडियम में है। अब हम इसके अंदर जब ये टमाटर हमारा थोड़ा सा गल जाए, देखिए हमारा तेल छोड़ने लगा है। देखिए अब हम इसके अंदर सब्जियां ऐड करेंगे। ये हमने 2 शिमला मिर्च ली हुई है, हम दोनों शिमला मिर्च इसमें डाल देंगे। हमें इसे छोटा छोटा कट करके ही डालना है, ज्यादा बड़ा नहीं। ये हमने बीन्स लिया हुआ है, बीन्स को भी हमने काट लिया है। अगर आपके पास गाजर है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। देखिए कितनी सुंदर लग रही है हमारी सब्जियां। कलरफुल खाने हमारे शरीर के लिए बहुत हेल्दी होते हैं, हमें हमेशा अपने खाने में कलर ऐड करना चाहिए। हम इसको थोड़ी देर पका लेंगे, उसके बाद ही अपना पनीर ऐड करेंगे। इसको हम ढक देते हैं, हमें इसको 1 मिनट तक ढक के रखना है। 1 मिनट में हमारी सब्जियां गल जाएंगी, उसके बाद फिर हम इसके अंदर पानी और पनीर और उसके बाद फिर पानी ऐड करेंगे। चलिए जब तक हमारी सब्जियां पक रही हैं तब तक हम अपना चावल को चेक कर लेते हैं कि पक गया कि नहीं। चलिए देखते हैं, ये देखिए हमारा चावल कितना सुंदर पक के रेडी हुआ है, बहुत खिला खिला, एकदम बहुत सुंदर सुंदर खिला खिला पक के रेडी हुआ है। देखिए अगर आप चाहें तो इसको स्टीम करके इसका पानी निकाल सकते थे, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा ही बनता है, इसका स्टीम निकाला नहीं जाता, इसका पानी निकाला नहीं जाता राइस का। लेकिन आप राइस का पानी निकाल के बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं। देखिए कितना सुंदर है। अब हम इसको दोनों को एक साथ वो करेंगे, पकाएंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, लेकिन अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब जरूर दूंगी। चलिए
चलिए मैं आपको सब्जी बता देती हूँ, पकी है कि नहीं देख लेते हैं। देखिए देखिए सब्जी कितनी अच्छी पक के रेडी हुई है, पूरा अच्छे से सब्जी हमारी पक गई है। देखिए कितनी अच्छी लग रही है, कितनी सुंदर लग रही है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, बस थोड़ा सा यानी आधा गिलास, आधा गिलास पानी ऐड करेंगे। देखिए सॉरी, देखिए कितना अच्छा हमने दिख रही है हमारी सब्जी। अब हम इसके अंदर पनीर ऐड करेंगे। आप चाहें तो पनीर को फ्राई करके भी डाल सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे ही पसंद करते हैं, इसलिए मैं इसको फ्राई नहीं कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको हल्का सा फ्राई कर सकते हैं घी से। बस हम इसको हल्के हल्के हाथ से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसको पकने के लिए 1 मिनट तक और डाल रखते हैं, ताकि हमारा पनीर अच्छे से पक जाए, इसमें मिल जाए, सब्जियों का रस जो है वो थोड़ा सा सब पनीर में भी चला जाए, इसलिए हम इसको थोड़ा ढक रहे हैं। इसको 30 सेकंड के लिए बस छोड़ेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। देखिए आधा मिनट हो गया, हमारी सब्जी पक गई है, अच्छे से खोल रही है। देखिए अब अच्छे से पक गई है। अब हम चावल को और इसको दोनों को हम एक साथ ऐड करेंगे। ऐड करने से पहले हम चावल में थोड़ा सा नमक मिला लेंगे। देखिए चावल में आप चाहें तो नमक स्टार्टिंग में ही मिला सकते हैं, मैं लास्ट में मिलाती हूँ। अब हम इसको एक साथ लगाएंगे, तय 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 के साथ हम एक साथ लगाएंगे चावल को सब्जी को। चलिए अब बनाना दिखाते हैं आपको। अब हमारी सब्जी पक गई है, तो हम आधी सब्जी को बाहर निकाल लेंगे जूस के साथ। अपनी आधे से ज़्यादा सब्जी को बाहर निकाल लेंगे और थोड़ा सब्जी को इसके अंदर ही रहने देंगे, क्योंकि हमें तय लगाना है ना, तय लगा के अच्छे से इसको हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारी सब्जी इसमें है, अगर जूस ज़्यादा है तो हम जूस को बाहर निकाल लेते हैं। बस इतनी सी सब्जी को हम नीचे रहने देंगे और उसके बाद ऐड करना स्टार्ट करेंगे। देखिए अब हम इसके ऊपर राइस डालेंगे। गैस हमारी बंद रहेगी, गैस ऑन नहीं रहेगी। इसके ऊपर हम चावल डालेंगे। पूरा अच्छी तरह से इसके ऊपर मुझे थोड़ा सा गरम मसाला डालना है, थोड़ा सा नींबू का रस डालना है, और ये जो हमने दूध तैयार किया था केसर वाला, ये थोड़ा सा इसके ऊपर दूध डालेंगे। अब इसके ऊपर हम वापस अपना पनीर डालेंगे, तेल लगाना है हमें। हम इसके ऊपर वापस अब अपना पनीर का जूस के साथ लगाएंगे। देखिए इस तरह से लगा देंगे। अब लगाने के बाद हम वापस अपना राइस को इसके ऊपर वापस ऐड करेंगे। इसी तरह से हम पूरा तय लगा लेंगे। वापस से वही काम करेंगे, गरम मसाले को थोड़ा सा डालेंगे, थोड़ा सा अपना दूध जो है हमने केसर वाला ये ऐड करेंगे, और थोड़ा सा नींबू का रस। इसी तरह से हम इसके ऊपर फिर से सब्जी डालेंगे। अब हम अपनी सारी सब्जी को इसके ऊपर डाल देंगे। अब हम इसके अंदर अपनी सारी सब्जियों को ऐड कर देंगे। देखिए सारी सब्जियों को हम इस तरह से डाल देंगे। हम लास्ट में और सबसे ऊपर हम ज़्यादा सब्जियों को ऐड करते हैं, उसके बाद हम सारा जितना हमारे पास चावल है
और सारा हम इसके ऊपर डाल देंगे। यही इसकी टेक्निक यही है बिरयानी की। देखिए हमने सारा डाल दिया है इसके ऊपर। देखिए हमने फाइनली इसके ऊपर गरम मसाले को डालेंगे। गरम मसाला डालने के बाद हम इसके ऊपर नींबू का अपना सारा रस डाल देंगे। देखिए देख कटोरी में जितनी भी नींबू का रस बचा है हम सारे को डाल देंगे इसके ऊपर। और इसके बाद ये हमारा केसर वाला दूध जो हमने बना के रखा था, ये देखिए इसको हम पूरा डाल देंगे। ठीक है, डालने के बाद हम इसको ढक देंगे और इसको हम पैक कर देंगे चारों तरफ से। तो अगर आपके पास एल्युमिनियम शीट है तो उससे पैक कर दीजिए, मैं पैक कर रही हूँ। देखिए हम इस तरह से इसको ढक देंगे और ढकने के बाद हम साइड में से हमारी हवा, इसको मैंने ये साइड से मैंने एल्युमिनियम फॉइल से इसको एकदम लॉक कर दिया था। अभी हमारा ये हो गया है, हमने 1 मिनट के लिए इसको लॉक करके छोड़ दिया था। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, देखिए हम इसको हटा देंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है हमारा। मैं इसको आपको प्लेट में निकाल के प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। देखिए ये बस इसको ऐसे ही सर्व करते हैं, इसे साइड से निकालते हैं। देखिए हमारा पनीर ऐसे हम साइड से ऐसे ही सर्व करते हैं। बड़े से बड़े होटल में भी ऐसे ही सर्व किया जाता है। कैसा लग रहा है? देखिए मुंह में आ रहा है ना पानी। एक बार बनाइए और जरूर टेस्ट कीजिए और मुझे बताइए कैसा लगा। देखिए मैं आपको पूरे प्लेट में निकाल देती हूँ। देखिए कितना लजीज है हमारा पनीर। देखिए बना के एक बार देखिए और खाइए, बताइए मेरे को कैसा बना है। और पूरी रेसिपी आप लोगों ने बहुत आराम से देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरी पूरी रेसिपी देखने के लिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए, और प्लीज़ प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए और मुझे बताइए कि ये कैसा बना है। अगर अच्छा नहीं बना है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, मैं कुछ ऐड कर सकती हूँ, वो भी ज़रूर बताइए आप। और आपने मुझे अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।